हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है विजय एकादशी। विजय एकादशी के सभी मित्रों को ढेर सारी बहुत सारी बधाई हो। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं, कथा स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। हाथ में आप तुलसी पत्ता ले लीजिए, फूल ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, चावल पत लेना। न चावल खाते हैं, द्वासी को चावल का ही भोग लगता है। आप किसी भी रूप में बना के खिला सकते हो और चावल का ही दान होता है। चलिए शुरू करते हैं। श्री मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। विजय एकादशी की जय। ये फागुन मास की विजय एकादशी है। सभी एकादशियां समान होती हैं, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों का ही व्रत करना अनिवार्य होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव फागुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि विजय नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के ये वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बालिका वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब वृतांत कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालों की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने अति विशाल समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदा लभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदा लभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि श्री राम जी आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम बोले कि महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा का समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बकदा लभ्य ऋषि बोले, श्री राम जी, मैं आपको उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समुद्र से अवश्य ही पार होंगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन सोने चांदी तांबे या मिट्टी का घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा यानी 7 तरह के अनाज और ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म करने से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को एक ब्राह्मण को देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्व विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्व करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री वर्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महत्व सुनता है वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आपके हाथ में जो तुलसी का पत्ता है आप श्री हरि के चरणों में चढ़ा सकते हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो इस तरह से मैंने आपको सुनाई एकादशी महात्म्य, ठीक है जी? तो आपको दोनों एकादशी जरूर से करनी चाहिए। जय श्री राधे।